बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा के दो तालीमी बोर्ड आज 12 जनवरी 2023 को अपना सेकंड एनुअल एग्ज़ाम रिजल्ट क्लास 9 और 10 के डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मालाकंड और मर्दान बोर्ड इंशाल्लाह आज सुबह 10 बजे अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आपके साथ यही अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए या गज़ट बुक चाहिए तो सर कासिम को आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको 11 बजे तक गज़ट बुक और रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इंटर क्लास स्टूडेंट के लिए भी अहम खबर रिज़ल्ट के हवाले से है कि इंशाल्लाह 20 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड अपने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। क्लास 9 और 10 के इस वक्त तमाम बोर्ड के फीस स्ट्रक्चर अनाउंस हो चुके हैं। रेगुलर स्टूडेंट अपने स्कूल के ज़रिए, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट अपने प्राइवेट यानी एडमिशन मैनुअल एडमिशन फॉर्म को फिल करके अपना दाखला कंफर्म कर ले। तमाम बोर्ड के इस वक्त जारी हो चुके हैं। इस हवाले से अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो लाजमी तौर पर कमेंट्स करें। इसके अलावा मौसम सरमा की सर्दियों की शिद्दत की वजह से आज एक खसूसी मीटिंग कॉल की गई है। हो सकते हैं कि एक हफ्ता या कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखने का फ़ैसला भी हो सकता है। पंजाब और KP में शदीद सर्दी की वजह से ये फ़ैसला मुमकिन है, इजलास तलब किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।